गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बारे में एक बुरी खबर सामने आ रही है। गूगल उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाला है, लेकिन सुंदर पिचाई ने ऐसा भी क्या कर दिया जिसके लिए गूगल इतना बड़ा एक्शन लेने वाला है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब गूगल का नेक्स्ट सीईओ कौन होगा? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और मुझे उम्मीद है वीडियो के एंड तक आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जब से सुंदर पिचाई ने इसका पद संभाला है, तब से गूगल का रेवेन्यू काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 2015 में सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बने थे, तब उस टाइम का रेवेन्यू था $75 बिलियन और 2023 में इसका रेवेन्यू है $305 बिलियन। वहीं 2015 में इसका स्टॉक प्राइस था $26 से $37। वहीं 2024 में इसका जो स्टॉक प्राइस है वो $149 के आसपास चल रहा है। साथ ही उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इस कंपनी को छोड़ के चल जाए। आखिर ऐसा कौन है जो उन्हें इस कंपनी को छोड़ने में मजबूर कर रहा है? और आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे, ये वही इन्वेस्टर है जिन्होंने सुंदर पिचाई की वजह से मैनीफोल्ड प्रॉफिट कमाया है। और ये काफी शॉकिंग बात है। अब पूरे मामले को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बनाया क्यों गया था? क्या इनमें वाकई कोई टैलेंट था या फिर इसके पीछे कोई खास वजह थी? सुंदर पिचाई की करियर की शुरुआत एक इंजीनियर एंड प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में सिलिकॉन वैली के एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होती है। इसके बाद ये मैकेसिन कंपनी में एज अ कंसल्टेंट काम करते हैं। एंड फिर आता है 2004, जहां से इनका सफर गूगल में शुरू हो जाता है। गूगल टूलबार के प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए ये एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम करने लगते। इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि इनका टूल बार अपने एंड की तरफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते टेक इनोवेशन की वजह से लोग इसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। ऐसे में इन्होंने अपने को फाउंडर सर्गी ब्रेन और लैरी पेज को कन्वेंस किया, क्यों ना हम खुद का एक ब्राउजर डेवलप कर ले जो मार्केट में अवेलेबल अदर ब्राउजर से यूजर फ्रेंडली हो। सुंदर पिचाई के इसी आइडिया के बाद 2008 में लॉन्च किया जाता है गूगल क्रोम, जिसने मैसिव सक्सेस देखी, जिसने कुछ ही समय में फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड का नंबर 1 ब्राउजर बन गया। पर क्या यही पूरी सच्चाई है? नहीं, असल में ये कहानी सुंदर पिचाई की तरफ से सुनाई गई है, जबकि दूसरी साइड से स्टोरी कुछ और ही है। कमाल की बात यह है कि सुंदर पिचाई के इन कॉन्ट्रीब्यूशन से इनका सीईओ बनने से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर इन्हें इतनी बड़ी पोजीशन किस बेसिस पर सौंपी गई थी? इस स्टोरी में इतने ट्विस्ट है कि उनके ऊपर एक पूरी मूवी बनाई जा सकती है। अब इस स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब गूगल ने सुंदर पिचाई को हायर किया था, उस समय गूगल के सीईओ थे एरिक स्मिथ, जो कि ना ही इस कंपनी के फाउंडर थे ना ही उन्होंने पहले कभी इस कंपनी में काम किया था, लेकिन फिर भी उन्हें इतना बड़ा पद सौंप दिया गया। और जानते हैं ऐसा क्यों? कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो चाहते थे जो गूगल के फाउंडर है लैरी पेज और सर्गी ब्रिन सीईओ के कंट्रोल में रहे, लेकिन को फाउंडर को लगता था कि वो गूगल को ज्यादा बेहतर समझते हैं, जिसके लिए वो कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते थे। इन्हीं कोशिशों में एक था जीमेल, जिसे 1 अप्रैल 2004 को लॉन्च किया गया। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आज के दिन जिस दिन जीमेल लॉन्च हुआ था उसी दिन सुंदर पिचाई का इंटरव्यू भी हुआ। लैरी और सर्गी ये प्रूफ करना चाहते थे कि ये गूगल सर्च इंजन से काफी ज्यादा बड़ा होगा, और जीमेल उनका इस मिशन का फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब एंड्रॉइड और गूगल मैप को एक्वायर कर लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि एरिक को लैरी और सर्गी के फैसले के बारे में भनक तक नहीं लगती थी। खैर सारी एक्विजिशन बहुत ही कमाल की थी, इन्होंने कई ज्यादा प्रॉफिट भी कमा के दिया। साथ ही दोनों फाउंडर का मानना था कि ब्राउजर मार्केट में एंट्री उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इसके जरिए वो गूगल की सर्विस और प्रोडक्ट को अपने ब्राउजर के अंदर ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, जिससे लोग ब्राउजर के साथ साथ उनके प्रोडक्ट जैसे कि गूगल मीट और गूगल शीट का भी यूज करेंगे। इस तरह से अपने ब्राउजर के जरिए गूगल अपने इकोसिस्टम को आसानी से प्रमोट कर सकता था। लेकिन एरिक स्मिथ इस बात से एग्री नहीं करते थे, क्योंकि पहले ही ब्राउजर मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स ने दबदबा बना रखा था। ऐसे में उन्हें कम्पीट करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत थी, और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो यहाँ पर चल पाएंगे या फिर नहीं चल पाएंगे। इसके अलावा एरिक का मानना था कि अलग अलग मार्केट में डाइवर्सिफाई करने से अच्छा है कि उनको अपने कोर बिजनेस में ध्यान देना चाहिए। अपने इसी विचारों की वजह से एरिक ने सर्गी और लैरी को कई सालों तक रोक के रखा। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लैरी और सर्गी ने क्रोम को लॉन्च इसलिए किया क्योंकि उनको ये आइडिया सुंदर पिचाई ने दिया था, बल्कि कितने ही सालों से लैरी और सर्गी खुद इसका सपना देख रहे थे। लेकिन उन्हें इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए ना तो कोई परमिशन थी, ना ही कोई ऐसा मौजूद था जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट माना जाता। ऐसे में जब सुंदर पिचाई ने अपने को फाउंडर के सामने गूगल के ब्राउजर की बात रखी, तो उन्हें अंधेरे में एक उम्मीद सी दिखी। उन्होंने सुंदर पिचाई से कहा कि वो अपनी टीम बनाए और इस प्रोजेक्ट में काम करे, लेकिन ध्यान रखे इस बात की खबर एरिक स्मिथ को नहीं होनी चाहिए। इस तरह से सुंदर पिचाई की मदद से गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया, जो कि हिट भी साबित हुआ, और केवल 3 से 4 सालों में सबसे बड़े ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्राउजर बन गया।
2009 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का मार्केट शेयर 55% था, वहीं फायरफॉक्स का 31.5% था और वहीं क्रोम का मार्केट सिर्फ 5% हुआ करता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो फायरफॉक्स का मार्केट शेयर 5% है, वहीं इंटरनेट एक्सप्लोरर का 8% है और बचा हुआ 63% गूगल क्रोम का है। इस तरह से क्रोम को डेवलप करना इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियल मूव था। इसके अलावा लैरी और सर्गी ने और भी कई ज्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल भी की, लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट थे जिसके खिलाफ एरिक स्मिथ हुआ करते थे। ऐसे में एरिक के ऊपर कई बड़े बड़े सवाल खड़े होने लगे और माने जाने लगा कि गूगल के लिए उनके को फाउंडर ही अच्छा निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद जब अंदरूनी दबाव बढ़ने लगा तो एरिक को मजबूरन रिजाइन देना पड़ा, जिसके बाद ये कंपनी लैरी और सर्गी के कंट्रोल में आ गई और लैरी इस कंपनी के सीईओ बनाए गए। लेकिन ये कहानी यहाँ भी एंड नहीं होती है। इसके बाद कई सारी ऐसी कंडीशन बनी जिससे कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती थी और इसलिए अचानक से लैरी की जगह एक ऐसे इंसान को सीईओ बना दिया गया जो कि कभी उस रेस में आता ही नहीं था और शायद ही किसी ने इमेजिन किया होगा कि वो सुंदर पिचाई होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि एरिक के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि लैरी को हटाकर सुंदर पिचाई को उसका सीईओ बना दिया गया। एक्चुअली लैरी टैग को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे, इसलिए जब वो गूगल के सीईओ बने तो वो गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार और गूगल ग्लास जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट पर काम करने लगे, जहां लोग हमेशा नए और फ्यूचरिस्टिक आइडिया पर काम करें। मतलब कि ये वर्किंग ट्रेडिशनल वर्किंग स्पेस ना होकर साइंटिस्ट से भरे हुए एक आइलैंड जैसा हो। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर जो इन्वेस्टर थे वो भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि लैरी अपने बड़े बड़े सपनों में उलझकर उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिससे कंपनी ग्रो हो सकती है। ऐसे में वो लैरी को बड़े ड्रीम वाले एक लीडर के तौर पर ना देखकर बल्कि एक बिलियनर के रूप में देख रहे थे, जो इस चीज को लेकर क्लियर ही नहीं थे कि इस वक्त कंपनी को क्या करना चाहिए और किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। खैर, फाउंडर और इन्वेस्टर के बीच में ये सिलसिला हमेशा जारी ही रहा, लेकिन अचानक से लैरी ने अपनी आवाज खो दी, मतलब कि वो गूंगे हो गए। एक्चुअली में 2000 की शुरुआत से ही लैरी पे वोकल कॉर्ड पैरालिसिस से पीड़ित थे और उन्हें बोलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। जैसे तैसे काम चल रहा था, 2010 के दौरान अचानक से इनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद वो इस काबिल नहीं बचे कि वो अपने आइडिया को शेयर कर सके या फिर किसी मीटिंग को अटेंड कर सके या फिर किसी चीज की प्रेजेंटेशन दे सके। इस चीज से ये चीज क्लियर जरूर होती है कि आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन आप कुछ प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकते। इस तरह से बड़ी कंपनी का रन तो नहीं किया जा सकता था, इसलिए लैरी की पोजीशन को किसी और को देने के लिए बात चलने लगी। लेकिन गूगल के दो फाउंडर थे तो ऐसे में लैरी तो सीईओ नहीं बन सकते थे, तो बचते हैं सर्गी। तो ऐसे में सर्गी गूगल की कमान अपने हाथों में लेकर सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सर्गी ब्रिन गूगल ग्लास की मार्केटिंग डायरेक्टर के साथ एक एक्स्ट्रा अफेयर के साथ पकड़े गए, जिसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा उथल पुथल मच गई और लैरी पेज के साथ इनके रिश्ते भी खराब हो गए, साथ ही इन्होंने बात करना भी बंद कर दिया। अब गूगल को जितना जल्दी हो सके एक बिजनेस विजनरी वाला एग्जीक्यूटिव की तलाश थी जो सीईओ की कुर्सी में बैठकर गूगल के शासन को संभाल सके। लेकिन इस पद के लिए गूगल के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे थे। इसमें पहले नंबर पे थे एरिक स्मिथ, जिन्हें गूगल क्रोम जैसे बेहतरीन आइडिया बेकार लगते थे। दूसरे नंबर पे थे लैरी पेज, जो कि गूंगे होने की वजह से सीईओ नहीं बन सकते थे। और तीसरे नंबर पे आते हैं सर्गी, जिनके अफेयर के चक्कर पूरी दुनिया सुनती थी। और चौथे नंबर पे थे एंडी रूबिन, जो कि एंड्रॉइड के फाउंडर है। ऐसे में लगा कि गूगल इन्हें अपना नेक्स्ट सीईओ बनाने वाला है, लेकिन इनके ऊपर कई सारे सीरियस एलिगेशन लगे हुए थे, जिस वजह से गूगल ने इन्हें $90 मिलियन का पैकेज देकर कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि वो इन केस के चलते हुए अपने कंपनी का नाम खराब नहीं करना चाहते थे। और इस तरह से पिक्चर में आए हमारे सुंदर पिचाई, जिन्हें गूगल के सीईओ की कमान संभालने को दे दी गई। इसमें कोई शक नहीं है कि सुंदर पिचाई ने कड़ी मेहनत करके अचीवमेंट हासिल की, लेकिन जिसने इन्हें सच में जीत हासिल कराई वो थी सिचुएशन, जिसको हम दूसरे शब्दों में लग भी कह सकते हैं। और इस तरह से 11 अगस्त 2015 को इन्हें गूगल का सीईओ बना दिया गया। इसके कुछ सालों बाद इन्हें गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया और यहां से इनकी कमजोर परफॉर्मेंस की झलकियां नजर आने लगी। अब देखा जाए तो सुंदर पिचाई ने वही किया जिसके लिए इन्हें हायर किया गया था। जैसा कि इन्होंने कंपनी को विवादों से दूर रखा और इनका रेवेन्यू लगभग 4 गुना बढ़ गया और नेट प्रॉफिट 5 गुना की रफ्तार से बढ़ता गया, साथ ही स्टॉक प्राइस भी आसमान छूने लगा। तो फिर इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, गूगल ने केवल बैलेंस शीट प्रॉफिट और रेवेन्यू पर ही ग्रोथ हासिल की, जबकि इसने इनोवेशन से मानो मुंह मोड़ लिया हो। आप खुद ही सोचो कि आप गूगल के कोई ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो जिसको सुंदर पिचाई ने लॉन्च किया हो। जहाँ तक मुझे पता है, सुंदर पिचाई का जो बिगेस्ट लॉन्च है वो गूगल पिक्सल है, जो फीचर और परफॉर्मेंस के मामले में काफी अच्छा फोन है। लेकिन ये जितना अच्छा फोन है
उतना ही इसकी सेल्स और मार्केटिंग काफी ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से इसका मार्केट शेयर वो केवल 4.6% है। वहीं इंडिया में इसका मार्केट शेयर 0.2% है। इन वजह से भी इन्वेस्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बात तो तब बिगड़ी जब ओपन एआई ने 30 अगस्त 2022 को चैट जीपीटी लॉन्च किया। इसके बाद जो इन्वेस्टर थे वो चाहते थे कि गूगल ओपन एआई को पीछे पछाड़ दे, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ये इतना आसान प्रोजेक्ट भी नहीं था, साथ ही जो इसकी डेडलाइन है वो भी काफी ज्यादा करीब थी, तो इसको कंप्लीट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर भी सुंदर पिचाई ने काफी ज्यादा मेहनत करके सिर्फ 4 महीने में अपना गूगल बार्ट लॉन्च कर दिया। लेकिन गूगल के लिए एक बैड मूव था, क्योंकि सबको लगने लगा कि इसने चैट जीपीटी को कॉपी किया है। इस कंपनी के लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किलें तब होने लगी जब कंपनी ने इसके लॉन्च के लिए एक इवेंट रखा था। इसमें कंपनी ने एक GFX एड जारी की, जिसमें एक शख्स ने ऐसा सवाल पूछा जिसके बाद इसे कंपनी को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और जो सवाल था वो ये था, जेम्स वेब टेलीस्कोप की कौन सी खोज को मैं अपने 9 साल के बच्चों को बता सकता हूँ। इस सवाल के जवाब में बार्ड ने 2 आंसर दिए, जिसमें से पहला था, इसी टेलीस्कोप की मदद से हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रहों की तस्वीर ली गई थी। नासा के अकॉर्डिंग 2004 में यूरोपियन एडवांस टेलीस्कोप की मदद से इस इमेज को लिया गया था, जो कि बार्ड ने गलत जवाब दिया था। इस गलत जवाब की वजह से बार्ड के ऊपर कई ज्यादा सवाल उठने लगे थे। फिर क्या था, कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो काफी तेजी से नीचे घटने लगे थे, जो कि $100 बिलियन से भी कम हो चुके थे। इस क्रिटिसिज्म के बाद कंपनी ने अपनी गलती सुधारने के लिए उस पर काफी ज्यादा मेहनत करी और इसके बाद इसे नए नाम से लॉन्च किया, जो था जेमिनी। तो सवाल उठता है, क्या इसने गूगल की बची कुची रेपुटेशन को बचा लिया? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो कुछ बचा कुचा था उसको भी इसने मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि इसके बाद कंपनी और भी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी से घिर चुकी थी। दरअसल एक यूजर ने जेमिनी की मदद से जॉर्ज वाशिंगटन की इमेज को जनरेट किया, तो जेमिनी ने उस इमेज को डार्क बना दिया, जबकि वो ऐसे नहीं थे, वो एक फेयर कलर के थे। और जिसके बाद जेमिनी ऐसे ही गलती और भी ज्यादा करते गया, जिसके जवाब में गूगल हमेशा कहता था कि हम उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में गूगल ने टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर को बंद ही कर दिया, लेकिन वो फिर भी कॉन्ट्रोवर्सी से अपना पीछा नहीं छुटा सके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हो गई जब इसने नरेंद्र मोदी को फैसिस्ट कह दिया, यानी कि फासीवादी कह दिया, जिसके बाद गूगल के पास नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। इसके क्लैरिफिकेशन में गूगल ने जवाब दिया कि गूगल जेमिनी हर जवाब देने में रिलायबल नहीं है। इस तरह से लगातार कंट्रोवर्सी की वजह से अल्फाबेट का मार्केट कैप $1.798 ट्रिलियन से घटकर $1.702 ट्रिलियन तक आ गया, जिनके चलते उन्हें $96.9 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में जाहिर सी बात है, इस तरह के लॉसेस इन्वेस्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और हुआ भी एक्चुअली ऐसा ही, जिसके बाद से सुंदर पिचाई को इन्वेस्टर बाहर निकालना चाहते, उधर सरगी भी अफेयर और ड्रामा से बाहर निकल कर आ चुके, जो सुंदर पिचाई के लिए एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि सरगी ने हमेशा लैरी की छाया में काम किया था। ऐसे में हो सकता है कि वो सीईओ के रूप में कंपनी की पूरी कमान अपने हाथों में ले ले। अब गूगल में आगे क्या होता है, इन्वेस्टर किसको सीईओ चुनते हैं, ये जानने वाली बात। तो आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो सारे डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।